खबर अल्मोड़ा से है, जहां हेली सेवा का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा देहरादून के सशस्त्र धारा हेलीपैड से पहले यात्री के तौर पर अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा में हेली सेवा शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं गंभीर मरीजों के लिए देहरादून पहुंचना आसान हो जाएगा। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने हेली सेवा शुरू करने के लिए धामी सरकार का आभार जताया और इसे वरदान बताया। आगे उन्होंने कहा कि हेली सेवा का किराया ज्यादा है और किराए में सब्सिडी की मांग की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा इसको आज संचालित किया गया है, लेकिन इससे पूर्व भी ये संचालित हुआ था लेकिन नियमित सेवाएं नहीं हुई थी, उसके बाद बंद हो गया था। मैं एक और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से और पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो नियमित सेवा है, नियमित सेवा यहाँ पर संचालित हो, जिससे लोगों को सुविधा हो सके, यहाँ का पर्यटक व्यवसाय बढ़ सके, यहाँ के जो मरीज जिनको तत्काल उसकी सेवा मिल सके उसके लिए जा सके। लेकिन एक शंका हो रही कि जो किराया है बहुत ज़्यादा है, और मेरी सरकार से मांग है कि सरकार ने इस किराए को न्यूनतम करना चाहिए, 2,500 रुपये से 3,000 रुपये करना चाहिए और सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए, और जिस तरह से कि ये नियमित ही अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। एक शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या ये नियमित अपनी सेवाएं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये टाटिक ग्राम सभा में बना हुआ है और यहाँ के जो हमारे झसियाटाना के लोग हैं, इन्होंने अपनी गोचर की भूमि यहाँ पर दी है, तो उनके स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर रोजगार से जोड़ा जाए। पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से हमारी हवाई सेवाओं का शुभारंभ हुआ है, और लगातार जब से हमारी सरकारें अपनी, चाहे जनरल खंडूरी जी के टाइम में पहली बार हमने जौलीगढ़ हवाई अड्डे को जोड़ा रनवे से, और उसके बाद फिर हम लगातार इस प्रयास में रहे कि किसी तरीके से जो हमारे तीर्थ स्थान है वो सब जुड़े, और इसी प्रकार से केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ को और बाकी भी हमारे देव स्थानों को भी जोड़ने का प्रयास रहा है, और उसी दिशा में मुख्यालयों को भी जोड़ने का ये उड़ान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा के कारण से कि सबको इस सुविधा का लाभ मिले। आज ये अल्मोड़ा को देहरादून से हमारी ये सवारी शुरू हुई है, हवाई सवारी, और इसके माध्यम से हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, समय की बचत होगी, और समय के बचत के साथ साथ कभी आवश्यकता पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद के लिए जब हायर सेंटर जाना हो, कभी बहुत आकस्मिक ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसका भी इसका लाभ हमको मिलेगा। ये अल्मोड़ा के लिए स्वागत है कि हम एक घंटे में अल्मोड़ा से अपनी राजधानी देहरादून पहुँच पाएंगे, जहाँ हमें ज़्यादा लंबा सफ़र 10-12 घंटे का सफ़र तय करना होता है, उसका हमको ये लाभ मिला है।